हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजीव मोम सोलन एचपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी यूट्यूब पे कैसी आई मैं और आज तक कैसा मैंने ब्लॉग डाले हैं कि सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी क्या गलती है, क्यों मेरा चैनल अभी तक थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि जैसे हम लाइव करते थे, मैं डेली लाइव करती थी, उसमें जैसे कि कोई भी हमारे व्यूअर्स आते थे लाइव में, तो वो ये वो चेंज एक्सचेंज करते थे कि मेरे पास 5 आईडी है, तो वो मुझे भी बोलते थे कि राजीव मॉम आप हमें, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे आईडी बनानी होती। तो मेरे फ्रेंड से एक दिल्ली में, उन्होंने मेरी आईडी बना के मुझे दी थी, बाद में वो डिलीट कर दी थी। तो वो फिर मेरे पास 4-5 आईडी होगी, फिर बाद में मुझे भी आईडी बनानी आ गई, मैंने भी लालच में आके वो आईडी बनाई। फिर बाद में हमने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया कि तू मेरे को 5 से सब्सक्राइब कर, मैं तेरे को 5 से सब्सक्राइब करूँ। पर उस टाइम मालूम नहीं होता था कि एक आईडी ही ओरिजिनल होती है, वो चलती है हमेशा, क्योंकि हमेशा लोग देखते हैं एक आईडी पे। वो जो ओरिजिनल होती है वो हर टाइम ऑन रहती है, उसी पे हमारा नोटिफिकेशन जाता है और उसी से ही हमारे को लोग आते हैं। मान लो मैं एक हूँ, मेरे पास 5 आईडी है, मेरे पास किसी का वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो एक पे आएगा, ओरिजिनल पे आते तो शायद दूसरे पे भी होंगे, ये मैं ये नहीं बोलती। पर हम वो बाद में वो डिलीट कर देते हैं आईडी, तो कभी पता नहीं चलता क्या पासवर्ड है, क्या नहीं है। तो वो जो हमारे एक्स्ट्रा 4 सब्सक्राइब होते हैं वो मतलब अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, तो रहते तो हमारे पास ही है, लगता है कि हमारे पास 5 ही है। फिर वो जो उस वीडियो पे नहीं वाच कोई करता है 4 वाली आईडी से, जो हमें कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो उससे हमारे को लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उसी करके आज मेरा जब इतने ही कम सब्सक्राइब है, नहीं तो आज को तो मेरा चैनल पता नहीं कहाँ से कहाँ ग्रो हो जाता, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती तो होगी, ये नहीं बोलती कि नहीं जाती है, जाती तो हैगी, फिर जाती तो है, पर ये कि वो आता तो एक ही है। फिर बाद में जैसे कि अब मैंने देखना है, लोग बोलते कि आप नहीं आते हमारे वीडियो पे, मैं ईमानदारी से वीडियो पे जाती थी, तो लोगों ने बस जल्दी जल्दी वो आगे तक कर देनी है, मुझे ये तरीका नहीं आता था, मैं ईमानदारी से आज तक ऐसी वीडियो देखती रही लोगों की, और उन्होंने बस ये ब्यूटीफुल शेयरिंग या कुछ भी ऐसे करके लिख देना। और दूसरी बात फिर वो है कि जैसे कि मैंने ब्लॉग डालना बंद कर दिया, मैं अपने फैमिली में मतलब जब मैं घर जाती हूँ तो वहाँ नेटवर्क में नहीं होता, मैं वीडियो बनाती तो इतना को लोगों को इतनी वो नहीं है, मेरे फैमिली के बीच में हर टाइम फ़ोन उठाना ये मतलब लोगों को भी पसंद नहीं था मेरे घर में। तो ससुराल तो मेरा है नहीं, मायके में अच्छा नहीं लगता कि अब ये उठा दिया, अब ऐसा गंद पड़ा हुआ यहाँ, जैसे यहाँ भी हम सब्जी काटी हुई तो यहाँ जैसे ऐसे रखा हुआ, तो अब ये भी दिखाएगी वाई टी पे, तो अपनी यूट्यूब ये भी दिखा देगी। तो मेरा तो ये था कि ओरिजिनल, तो कई कई ऐसी वजह है कि हम मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, तो उस वजह से भी रीच कम हो चुकी थी मेरी चैनल की। पर अब मैं सोच रही थी कि अब जैसे कि मुझे बहुत ज़रूरी थी, मैं 3-4 साल से अलग रह रही हूँ अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी, वो खर्चा तो वो भी देते, मैं ये नहीं बोलती कि खर्चा नहीं देते वो, पर फिर भी हमारा अपना भी थोड़ा काम मेरा चला रहता था। पर अब मैं जब से मैं बीमार हूँ, डायबिटीज़ मुझे है पर फिर भी नहीं चल पा रहा, तो मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप ये गलती मत कीजिए, लाइव बहुत कम कीजिए। लाइव तो ऐसा हो गया कि महीने में एक बार कर दिया आपने बातचीत करने के लिए अपने फ्रेंड से, पर लाइव ज़रूर कभी भी ना करिए, लाइव से आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। जैसे कि होता है हम किसी की लाइव में चलेंगे तो वहाँ वो मेरे आईडी देखेंगे, मुझे बोलेंगे, शुरू शुरू में ऐसे ही होगा, पता नहीं चलता जब, तो वो बोलेंगे राजीव मोम आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आ जाइए, मुझे इतने कितनी आईडी है, सब तो पहले ये पूछेंगे। कोई लोग चलाक होते हैं, वो झूठ को बोल देते हैं हमारे पास 4 है, किसी के पास बोल देंगे 3, चलो होती भी है, वो हमारे सब्सक्राइब लेके चले जाते हैं और बाद वो उनको भी लॉस होता है हमारे, क्योंकि वो जब हम कभी वीडियो डालते हैं तो वो नहीं आते हैं उसके ऊपर। और अब मुझे बहुत ज़रूरत है और मेरी बहुत दिक्कत है, मुझे पथरी भी है, मेरे डायबिटीज़ भी है,
और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती क्योंकि मेरे घर के हालत बहुत ख़राब है, मुझे देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और बच्चे को भी देखना होता है, ये इसको तो ढंग से इस्तेमाल लेना भी नहीं आता इतना। मैं सब्जी के लिए मंगवा देती हूँ, बाकी राशन पता लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते। आजकल भी ऐसे हालात चले हुए, आटा तक नहीं होता कई बार हमारे पास, हम कई बार एक टाइम हम खाना भी नहीं खाते, इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है। जो आप देखते हैं ना कि मैंने साड़ी लगाई, मैंने झुमके लगाए, मैंने ये किया हुआ, मैंने फैशन कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ये सब मेरी मजबूरी है। और जब ये मेरे कान के झुमके आर्टिफिशियल है, कई सालों से पहले मैंने मेले में खरीदे हुए, पहले हम मेले में चले जाते थे तो वहाँ पर खरीद लिया, और एक एक चीज़ मैं संजो के रखती थी। पहले मैं जॉब करती थी, कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ मेरा टिप टॉप बन के रहती थी, मैं कंपनी में जाती थी जैसा मेरा सूट वैसे ही हुआ। कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि मैं अपने जर्नी में क्या बताऊँ कहानी, तो अगर मैं लेके बैठूँ कुछ दिन रात एक हो जाएगा अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाने लगी। पर मैं ये अब थोड़ा सा ही वाईटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि लाइव नहीं करना चाहिए, लाइव महीने में एक बार आप बताइए और डेली आप लाइव नहीं करिए। हम डेली दो दो घंटे तीन तीन घंटे वॉच टाइम के लिए हम लाइव करते थे, तो उससे मुझे लॉस हो गया, नहीं कि मुझे उस टाइम डेली ही ब्लॉग डालने चाहिए थे। ये मेरे से गलती हो चुकी है और मैं आप सभी से यही बोलती हूँ कि आप घबराए ना, पर मेरी किस्मत ये है, बोलते किसी का लक बेकार होता, किसी का लक लकी होता है, तो ये होता है कि मैं ना पता नहीं क्यों मेरे ऊपर मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, क्या यूट्यूब क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या करते हैं, बोलते उस भगवान ने जो करना है, मेरी किस्मत में ऐसे ही होगा, हो सकता कि हम ऐसे ही सुसाइड करके मैं कभी मर जाऊँ। अब क्योंकि नौबत इतनी आ चुकी है, आप सोचो मेरा बच्चा बड़ा है, मैं इसको काम पर लगाऊँ कि स्कूल भेजूँ इसको, इसकी लाइफ बर्बाद हो रही है। मैं इस टाइम अपने बच्चे के बारे में ये इस स्थिति में है कि थोड़ी सी गलती करूँगी बच्चे का दिमाग डगमगा जाएगा, ना मैं इसके प्यार से बोल सकती, ना मैं इसे डांट से सकती हूँ, बस ऐसे लेबल बना के रखना पड़ता है इस टाइम अपने बच्चे के साथ कि क्या बताऊँ मैं। मुझे अपने बच्चे को माँ की तरह भी संभालना है, बाप की तरह भी संभालना है। जब मैं इसके डैडी को फ़ोन किया तो इसके डैडी ने ये जवाब दिया कि माँ का काम होता है बच्चे को पालना, वो बाप का काम होता है नौकरी करना, जॉब करना और पैसे दे दिए। तो पैसे कितने दे देते ये बाद में मैं आपसे बात करूँगी, अभी मैं तो बस सिर्फ यही बात करना चाहती थी कि हम वाईटी पे लाइव मत कीजिए इसे, हम और आईडी एक्सचेंज मत कीजिए, और लाइव करके तो हमारा सत्यानाश हो चुका है, बस चैनल का सत्यानाश हो जाता है। आप डेली वीडियो डालिए, एक टाइम से वीडियो डालिए, जिस टाइम आपका वॉच देखना आपको उसमें पता एनी लिस्ट में पता चल जाता है कि आपकी वीडियो कब किस टाइम देखना पसंद करते हैं लोग, उस टाइम आप शाम के टाइम वीडियो डालिए। और मैं तो बस ऐसी हूँ, समझ तो है पर दिमाग कई बार काम नहीं करता, मैं हर कभी वीडियो डालती हूँ, हर कभी कुछ कर पता नहीं सता नहीं बस चल रहा था। पर ये कि मैं जो बहुत बातें बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ, आप डेली वीडियो डालिए, शॉर्ट वीडियो से आपके सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियो भी डालिए और मतलब मेहनत कीजिए, वाईटी मेहनत मांगता है और कुछ नहीं। और आप लंबी हो जाएगी वीडियो तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, आपके साथ अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप जो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक सोशल मीडिया हेल्प के लिए होता है, कोई शौक से आता है कोई कैसे आता है, मुझे शौक नहीं था इस यहाँ पर आने के लिए, मैंने यही सोचा था कि मैं वाईटी पे अपनी वीडियो डाला करूँगी, पर इतनी नॉलेज नहीं, बिना नॉलेज से इंसान को लॉस हो जाता है, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। तो ये मैं ये बोलती हूँ कि अभी देखो मैं रेंट के रूम में रहती हूँ, कैसे मैंने किराया निकाला कैसे, इसीलिए मैं वाईटी पे आई थी कि चलो हम घर में बैठ के अपना कुछ ना कुछ ब्लॉग डाल के लोगों के साथ हम अपने जर्नी शेयर करेंगे। पर अब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन पर दिन मेरी स्थिति बहुत ऐसा लगता है कई बार कि मैं सच में सुसाइड कर लूँ, पर इस बच्चे का क्या होगा। पर मैं इसका ये ऐसा ही वेट कर रही हूँ कि 5-6 महीने इसका पेपर हो जाए, प्लस टू के पेपर हो जाए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
क्योंकि कई लोगों का ऐसे है मेरे जिंदगी बर्बाद करने के लिए कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं नहीं बता सकती, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप YT पे आते हैं, डेली वीडियो डालिए और अच्छे अच्छे से टाइटल डालिए। मेरे को जितना आता मैं करती हूँ, पर ये जो लाइव वाली बात बोली, मैंने आईडी वाली बात बोली, ये पक्की बात है, ये नकली आईडी के साथ आप एक से ही चेंज कीजिए, ओरिजिनल आईडी से ही एक दूसरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं इसीलिए YT पे आई थी। थैंक यू सो मच। आप अगर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, बेल आइकन का बटन होता है R पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपके पास कोई मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी सजेशन कीजिए। और थैंक यू सो मच आप सभी का, और शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर।